मेरे बॉलर का एज है 13 दिन और एवरेज जो बॉडी वेट है वो 450 के आसपास होगा। तो मैं बुक का आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि 10 दिन में मैं वीडियो बना के आपको बोला था कि मेरा बार्स का वेट जो है 300+ होगा, का रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। और अभी जो फार्म के अंदर काम चल रहा है वो है फीड देना, क्योंकि अभी 5:30 बजते जा रहा है, तो इसलिए फीड देने का जो काम है उसको किया जा रहा है। क्योंकि मॉर्निंग मतलब 10 से 10:30 बजे तक जो फीड है थोड़ा सा कमी था, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से फीडर में फीड था, इस तरह से थोड़ा बहुत करके फीडर में फीड था। तो अभी फीड देने का काम चल रहा है और आप देख पा रहे हो कि चिक्स कितना फीड इंटेक करने के लिए तरस रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। और समर मैनेजमेंट एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने कर रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक एक करके स्टैंड फैन मैंने लगा दिया, और इस बार को मैं सीलिंग फैन जितना सारे था उसको मैं खोल दिया, क्योंकि सीलिंग फैन में उतना फ़ायदा मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि छत का जो टेम्परेचर वो सोख के नीचे तक लेके आता था, तो इसलिए मैंने स्टैंड फैन कर दिया। इससे हमको वेंटिलेशन भी हो जाता है। और यहाँ पे एक फुल लगा दिया और कनेक्शन जो है मैंने एक ही कर दिया, जाके ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ी। यहाँ पे स्विच जैसे ही मैं दे दूंगा तो ये जो दो फैन है पूरा वेंटिलेशन का काम करेगा, तो इस तरह से चल रहा है। तो चलिए एक बार बुक का रिपोर्ट पहले आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स कर रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 29 तारीख जो है मेरा 10 दिन था, 10 दिन का जो वार्ड्स वेट है आप देख पा रहे हो 350 11 दिन में किया था, तो 10 दिन में मैंने 300+ बोला था। ये मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर नहीं किया। और एफसीआर जो है 1.03 है, जो कि बुक में है 1.06। तो इस तरह से बॉडी आपका भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपको पता है कि समर सीजन में समर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रूडिंग टेम्परेचर आपको सही नहीं करना है, ब्रूडिंग टेम्परेचर भी आपको सही करना है, जाके चिक्स ब्रूडिंग पे मतलब 7 दिन का जो वेट है वो जाके ले ले। बहुत सारे कॉमेंट करता है कि ब्रूडिंग टेम्परेचर वैसे भी तो बन जाता है तो हम कैसे मैनेज करें, तो आपको छत में थोड़ा सा पानी देना है जाके गर्मी कम से कम लगे चिक्स को, तो इस तरह से करने से ऐसा रिजल्ट आपका भी हो सकता है। और प्रॉपर वेंटिलेशन, समर सीजन में यही दिक्कत होता है कि आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, तो वेंटिलेशन आपको करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पर्दा है वो पूरा गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड फैन देके इसको पूरा अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर का जो गैस बन रहा है, तो उसको मैंने प्रॉपर वेंटिलेशन कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से चल रहे, सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, जाके आप सभी को पता चले कि करंट सिचुएशन क्या है मेरे फार्म का। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म वाले को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।